नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। खबर झांसी से है, जहां झांसी के गुसाईपुरा स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पिछले 20 दिनों से चले आ रहे ग्रीष्मकालीन शिविर का आज भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामतीर्थ सिंघल रहे। उन्होंने शिविर की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में कैंप के दौरान बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई एवं शिविर में सिखाए गए नृत्य एवं गायन का भी प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों के हाथों से बनाई गई वस्तुओं को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए एवं सभी ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार बंधु निश्चित रूप से ये जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों से लगातार हर वर्ष गर्मियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमारे विद्यालय में स्किल डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया जाता है। हुनर विकास के लिए, प्रतिभा विकास के लिए छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर अपार क्षमताएं छुपी होती हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है। कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो उनका आह्वान है कि पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हुनर हो, इसको देखते हुए हमारे विद्यालय में इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति एक कौशल विकास कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 विधाओं के बारे में बच्चों को बताया गया, सिखाया गया। और हमें ये कहते हुए बताते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्षों में बच्चों ने जो कुछ सीखा, चाहे टाई एंड डाई हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे सिरेमिक वर्क हो, चाहे क्विलिंग वर्क हो या अन्य कोई भी विधाएं सीखी, उनमें से कुछ बच्चे उसका कॉमर्शियल उपयोग भी कर पा रहे हैं, उसके माध्यम से उनको रोजगार भी मिला है। वो सारी कृतियों को बनाकर विभिन्न शोरूम के माध्यम से बाजारों में उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि उम्र अभी उनकी पढ़ने लिखने की है। तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। अभी आपने देखा होगा एक मेहंदी वाले कक्ष में छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियां कोन पकड़ करके एक दूसरे को मेहंदी लगा रही हैं। भविष्य में 2-4 वर्ष में अनुभव के बाद में वो शादी विवाह में मेहंदी लगाने का कार्य करके अपने आर्थिक संसाधन के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए गौरव का क्षण रहता है, जो हर वर्ष हम लोग एक कैंप लगाते हैं और देश के नौनिहालों को नई नई विधाओं में पारंगत करते हैं। कब से कैंप का आयोजन हुआ, कितने दिन चला? सर, ये 10 मई से स्टार्ट हुआ था कैंप हमारा और आज 31 मई को इसका समापन हो रहा है। लगभग 300 बच्चों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था और विभिन्न विधाओं में पारंगत हुए। डांस परफॉर्मेंस भी हुई, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बच्चों ने सीखा, हारमोनियम तबला बजाना भी स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो गए हैं, मगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है सीखना। मेहंदी के बारे में सर ने अभी आपको बताया है, बाकी चीज़ों को आपने देखा। तो लगभग 300 बच्चों ने यहाँ पर इतनी गर्मी में, सबसे बड़ी बात इतनी तपन में भी बच्चों ने बड़ी शीतलता के साथ इस कैंप को सफल बनाया। केवल विद्यालय के बच्चे थे या बच्चे नहीं, आउटसाइडर्स भी हैं, अन्य विद्यालय के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं और हमारी शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात और महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे यहाँ की शिक्षिकाएँ हैं जो पढ़ाती हैं, वो ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और कौशल विकास को कार्य करवाने में अपनी सहभागिता देती हैं। हम बाहर से किसी को भी नहीं बुलाते हैं, किसी मेंटोर को, हमारी अपनी ही शिक्षिकाएं बच्चों को सिखाती हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।